तो दोस्तों अभी की सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर अमेरिका और टर्की की तरफ से आ रही है, जहाँ पर अमेरिका ने टर्की के एक खास ड्रोन को मारकर गिरा दिया है। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका और टर्की के बीच में युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं, और ऐसे में टर्की के एक ड्रोन को उस समय अमेरिकी सैनिकों ने मारकर गिरा लिया जब वो ड्रोन काफी लंबे समय से अमेरिका के सैनिकों के ऊपर मंडरा रहा था। और सच मानिए कि इस पूरी घटना के बाद में यहाँ पर बवाल मच चुका है, क्योंकि टर्की और अमेरिका के बीच में इस तरह की झड़प आज तक नहीं देखी गई थी। और दोस्तों अब यहाँ पर पेंटागन का कहना है कि टर्की का ये ड्रोन हमारे सैनिकों के लिए खतरा बन रहा था, और कई बार वार्निंग देने के बावजूद ये जैसे ही हमारे सैनिकों के ऊपर से नहीं हटा तो हमने टर्की के इस हथियारबंद ड्रोन को मारकर गिरा लिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में टर्की के संसद के पास में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसके बदले में टर्की यहाँ पर इराक और सीरिया के कई सारे इलाकों में बमबारी कर रहा है। ऐसे में ये जो बमबारी की जा रही है वो टर्की के ड्रोन के जरिए की जा रही है, जहाँ पर टर्की के हथियारबंद ड्रोन इस पूरी बमबारी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कल भी इस तरह की घटना को देखा गया था, और तब जब ये टर्की का ड्रोन अमेरिका के सैनिकों के ऊपर मंडरा रहा था, यानी कि सीरिया का जो अल हसाकार इलाका है उसके अंदर टर्की के द्वारा यहाँ पर बमबारी की जा रही थी, और यहीं पर अमेरिका के सैनिकों का एक बेस है, और यहीं पर टर्की के ड्रोन के माध्यम से सुबह 7:30 बजे से बॉम्बिंग यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन टर्की का ये ड्रोन अमेरिका के बेस के मात्र 500 मीटर के दायरे में आकर बमबारी कर रहा था, जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों की तरफ से इसको चेतावनी दी गई थी। हालांकि अमेरिकी सैनिकों को यहाँ पर बंकरों में छिपना पड़ा था, और उसके बाद में अमेरिकी सैनिकों की तरफ से ये चेतावनी देते हुए कहा गया था कि इस ड्रोन को जल्द से जल्द यहाँ से हटा लो। लेकिन जब टर्की के इस ड्रोन के जरिए कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया तो अमेरिका ने अपने F-16 लड़ाकू विमान के जरिए इस ड्रोन को मारकर गिरा लिया, जिसके बाद में अमेरिका की तरफ से इस घटना को लेकर काफी अफसोस जताया गया, और अमेरिका के पेंटागन की तरफ से ये कहा गया है कि सीरिया के अंदर दो नाटो सहयोगियों के बीच में इस तरह की झड़प काफी ज्यादा अफसोसजनक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी घटना के अंदर किसी भी अमेरिकी रक्षा बल को कोई हानि नहीं हुई। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।